गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार। आज मैं एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें आप विज्ञान से संबंधित 10 वर्ड्स जानने वाले हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही प्रमुख है और इन सब के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंतर्गत कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ और भी छोटे छोटे विषयों को कैटेगराइज किया गया है जिनके नामों से हम वाकिफ नहीं हैं, जिनके नामों से हम अपरिचित हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही विषयों का नाम बता दूँ जो हमारे विज्ञान से संबंधित है। सबसे पहला वर्ड इंटोमोलॉजी, और जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो ना, 10 के 10 वर्ड्स, इन सभी 10 वर्डों का अंत LOGY से हुआ है। जैसा कि मैं सभी में आपको बता देता हूँ, LOGY, एंड बाकी के भी वर्ड में आप LOGY पा रहे हो। तो LOGY से अंत होने वाले जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं, जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी विषयों के बारे में जान जाएंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, जिसमें आप छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों, कीट पतंगों के बारे में आप अध्ययन करते हो, उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटोमोलॉजी। नंबर 2, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप, माइक्रोबायोलॉजी की हिंदी होती है अणुजीव विज्ञान, ओके, जिसमें आप अणु के जो जीव हैं, यानी अणुजीव जो हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करते हो, उसे हम कहते हैं अणुजीव विज्ञान, और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 3, मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी मीन्स होता है खनिज विज्ञान, और खनिज विज्ञान आप तो समझते हो कि जिसमें आप खनिजों का अध्ययन करते हो, खनिजों की पढ़ाई करते हो, खनिजों की स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं मिनरोलॉजी। नंबर 4, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है आकृति विज्ञान, जिसमें आप आकृति के बारे में, है ना, आकार के बारे में, एंड और भी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना आपको बता दूं कि आकृति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और आकृति विज्ञान के अंतर्गत आप आकृतियों को लेकर के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ते हो। नंबर 5, ऑप्थैल्मोलॉजी। ऑप्थैल्मोलॉजी की हिंदी होती है नेत्र विज्ञान, यानी इसमें आप आंखों के बारे में पढ़ते हो, नेत्रों के बारे में पढ़ते हो, और नेत्रों के बारे में जो कुल जानकारियां आप इकट्ठी करते हो वो सब्जेक्ट कहलाती है ऑप्थैल्मोलॉजी, यानी नेत्र विज्ञान। नंबर 6, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स होता है उत्तक विज्ञान, आप इसमें उत्तकों के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली आप अध्ययन करते हो। नंबर 7, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी मीन्स होता है झील जो विज्ञान, यानी वैसे कोई जीव जो झील में रहते हैं, पानियों में रहते हैं, जो पानियों में रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, उनके बारे में जो आप अध्ययन करते हो वही तो कहलाता है लिम्नोलॉजी। नंबर 8, पैमोलॉजी। पैमोलॉजी मीन्स होता है फल विज्ञान, यानी फलों के बारे में जो आप अध्ययन करते हो, जो आप स्टडी करते हो, फल फलों के बारे में या उससे संबंधित जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो पैमोलॉजी में। नंबर 9, पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में होता है जीवाश्म विज्ञान, यानी धरती के अंदर जो भी धरातल के अंदर आज से कई हजार, कई लाख साल पहले जो जीव, जो जानवर मर गए थे, दब गए थे अंदर, है ना, वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं और उनके बारे में जो आप अध्ययन करते हो डेट इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। और आज का सबसे अंतिम वर्ड है लॉजी से अंत होने वाला, वो है पैरेसिटोलॉजी। पैरेसिटोलॉजी में होता है परजीवी विज्ञान, जिसमें आप परजीवी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी कराई जाती है, आपको टीचिंग कराई जाती है, वो कहलाती है पैरेसिटोलॉजी, यानी परजीवी विज्ञान। तो ये हुए हमारे 10 के 10 वर्ड्स जिनका अंत LOGY से हुआ है, और ये सब के सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, बड़े ही छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। जब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो ना, जो जीव विज्ञान आप पढ़ते हो उसमें ये सब के सब शामिल रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि 1, 2 या 3, 4 शामिल ना हो, नहीं तो सीनियर किताबें जो आप पढ़ते हो बायोलॉजी की, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना, जो इन्हीं के हिस्से होते हैं, लेकिन इनकी चर्चा नहीं की जाती है कि ये पैमोलॉजी है, ये हिस्टोलॉजी है या पैरेसिटोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सबको मिक्स करके जूनियर क्लासेज में पढ़ा दिया जाता है मैट्रिक तक, या हो सकता है कि इंटर, ग्रेजुएशन या उससे हाई लेवल में इनका अलग अलग अपनी किताब हो या अलग अलग सब्जेक्ट हो, उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस आपको इतना मैं बता दूं कि ये सब के सब सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं और ये सब के सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और भी तरह, मतलब और भी इस तरह की आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी दे दिया करूँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स।